अ वेरी गुड मॉर्निंग माई डियर सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आमोदनी की बुक से चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है अपना हाथ जगन्नाथ. हमारे 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों, और उसके क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइजेस, एवरीथिंग आई हैव गिवन टू यू इन लास्ट वीडियो. ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 7, अपना हाथ जगन्नाथ. तो आइए खोलते हैं बुक और निकालते हैं चैप्टर नंबर 7. ये देखिए हमारा चैप्टर है अपना हाथ जगन्नाथ. बच्चों, इसका मतलब होता है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए. ठीक है, अपना हाथ जगन्नाथ मीन्स अपना काम हमें स्वयं करना चाहिए. जब तक हम अपना काम स्वयं नहीं करेंगे, हम सफल नहीं हो सकते. ठीक है, तो पढ़ते हैं इस चैप्टर को. देखिए, स्टार्ट करते हैं. रमन अपने बड़े भाई विवेक के पास पहली बार शहर आया था. एक बच्चा है रमन, जो जिसके पापा ने उसको पढ़ने के लिए उसके बड़े भाई के साथ शहर भेज दिया है. बच्चों, इस कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है वो भी यही है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, और तभी हम आगे सफलता की ओर बढ़ सकते हैं. नहीं तो हम सफलता की ओर भी नहीं बढ़ सकते. और अनुशासन और बड़ों का कहना कितना मायने रखता है हमारे जीवन में, यही सब कुछ इस चैप्टर में बताया गया है. तो रमन अपने बड़े भाई विवेक के पास पहली बार शहर आया था. उसे गांव की याद आ रही थी, अर्थात उसके पिताजी ने उसको ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए उसके बड़े भाई विवेक के पास शहर भेज दिया था. शहर में पहले ही दिन उसे बुरा लग रहा था, उसका मन वहाँ नहीं लग रहा था. क्यों? क्योंकि वो पहली बार शहर आया था, और उसके बड़े भैया जो है वो काम पर जाते थे सुबह, और वो वहाँ अकेला रह जाता था कमरे पर, जिसे वह वहाँ किसी को जानता भी नहीं था. इसीलिए उसको अकेलापन महसूस होता था और उसका मन वहाँ नहीं लग रहा था. ठीक है, तो शहर में पहले ही दिन उसे बुरा लग रहा था. विवेक भैया कचहरी से 5 बजे से पहले नहीं लौटेंगे, कहकर गए हैं कि कुछ काम हो तो मुझे फ़ोन कर लेना. अर्थात उसके भाई कचहरी जाते थे सुबह, ठीक है, 5 बजे लौट कर आते थे. इतने बीच उसको अकेले ही कमरे पर रहना था. खाना पका रखा है, पानी भरा रखा है, पर रमन का मन नहीं कि कुछ खाए या पिए. मीन्स सब कुछ घर में है, कमरे पर सब कुछ है जहाँ उसके भाई रहते थे. खाना बना कर रखे गए हैं वो, पानी भर कर रख कर गए हैं, लेकिन उसका मन कुछ भी खाने पीने को नहीं कर रहा था. घर में अकेलापन उसे काटने को दौड़ रहा था, अर्थात भाई भी नहीं थे, कोई नहीं था, इसलिए उसको अकेलापन महसूस हो रहा था. रमन को बाबूजी पर गुस्सा आ रहा था. उन्होंने ही ज़िद करके उसे विवेक के पास शहर भेज दिया था. रमन को अपने बाबूजी पर अर्थात अपने पिताजी पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ज़बरदस्ती करके उन्होंने उसको शहर भेजा था पढ़ने के लिए. शहर के स्कूल में पढ़ेगा तो ज़िंदगी बन जाएगी. बड़े भैया 2 साल से वहाँ कचहरी में वकालत कर रहे हैं, उन्हीं के पास शहर रहकर पढ़ लेगा रमन. अर्थात उसके पिताजी ने कहा था कि शहर जाएगा, पढ़ेगा तो उसकी ज़िंदगी बन जाएगी. उसके बड़े भैया वहाँ 2 साल से पहले ही कचहरी में वकालत कर रहे थे, परंतु यहाँ तो वह बोर हो रहा है. जब वह बोर हो रहा है तो पढ़ाई में कैसे मन लगेगा. ठीक है, फिर एकाएक रमन को अम्मा का चेहरा याद आया. अब जब बेचारा अकेला बैठा हुआ बोर हो रहा था, घर के बारे में सोच रहा था, तभी उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया. माँ ने उसकी क्या कहा था देखिए चलते समय, कि रुआसी होकर अम्मा बोली थी, बेटा भैया की तरह पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, भैया की बात सुनना, उनका ख्याल रखना. तो ये उसकी माँ ने उससे चलते समय कहा था कि भैया की बात मानना और पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनना अपने भैया की तरह. ठीक है, नेक्स्ट. इस बात से ज़्यादा ज़रूरी था कि उनका ख्याल रखना, यानी कि भैया की बात सुनना जो माँ ने कहा था उससे, लेकिन इस बात से ज़्यादा क्या ज़रूरी था कि उनका ख्याल रखना. कि बात तो उनकी माननी ही थी, लेकिन उनका ख्याल भी रखना था. अम्मा की बात याद आते ही रमन को इस बात का एहसास हुआ कि अम्मा उसे कितना ज़िम्मेदार समझती है. जब उसे अम्मा की बात याद आई तो उसे रियलाइज़ हुआ कि अम्मा उसको कितना ज़िम्मेदार समझती है, कितना अम्मा उसको बड़ा मानती है, जो अम्मा ये सब करने के लिए कह रही है. हालांकि वह अभी 10वीं कक्षा में ही पढ़ता है. ठीक है, हालांकि वह अभी 10वीं कक्षा में ही पढ़ता है, 10वीं में आया था वो, इसीलिए उसके बाबूजी ने उसको बाहर भेज दिया था. वैसे बड़े भैया का ख्याल रखना जरूरी भी था. रमन ने पूरे कमरे में रमन ने पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई, भैया इस तरह से कैसे रहते हैं. ठीक है, अब वहाँ उसने देखा कि भैया का कमरा तो जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था. तो उसने देखा कि भैया इतने गंदगी में कैसे रहते हैं. उसको यही महसूस हो रहा था कि भैया इतनी गंदगी
रहते हैं, चारों तरफ धूल जमी पड़ी थी, क्योंकि उसके भैया सुबह चले जाते थे, शाम वापस आते थे, उनको साफ सफाई करने का मौका नहीं लगता था, नहीं मिलता था। एक तरफ पलंग पर कपड़े पड़े थे तो दूसरी तरफ अखबार। कमरे में धूल कितनी भरी पड़ी थी, लगता है यहाँ कभी झाड़ू लगाई ही नहीं जाती, अर्थात चारों तरफ धूल ही जमी पड़ी हुई थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वहाँ झाड़ू लगाए ही नहीं है भैया ने। अम्मा घर की यह हालत देख ले तो पूरा घर सिर पर उठा लें, क्योंकि मम्मी को जो है अधिकतर अम्मा को घर में सफाई पसंद होती है, और इस तरह की हालत अगर मम्मी कमरे की देखें तो शायद कमरे को वो यानी कि पूरे घर को सिर पर उठा लें। रमन ने सोचा बोरियत दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कमरे की सफाई। अब उसने क्या सोचा कि सबसे अच्छा तरीका है बोरियत को भगाने का कि कमरे की सफाई की जाए। इसे मज़ेदार बनाने के लिए उसने पहले टीवी ऑन किया, उस पर धूल की ढेर सारी परत जमी हुई थी। उसने एक साफ कपड़ा लिया और टीवी की धूल साफ़ की, यानी कि कपड़ा लिया, टीवी पर जो धूल जम रही थी उसको साफ़ किया। लो, टीवी का रंग तो एकदम से बदल गया, मीन्स इतनी धूल थी कि टीवी का कलर भी नहीं दिख रहा था, कितना साफ नज़र आ रहा है, अब वह अपने आप से बोला। इसके बाद रमन ने अखबारों के ढेर को साफ़ करने का निर्णय लिया, अर्थात जो अखबार बहुत सारे ढेर सारे अखबार एक जगह रखे हुए थे उनको साफ़ करने का उसने निर्णय किया, अर्थात अब अखबारों की सफाई की उसने सोची। ठीक है, अखबारों के चार ढेर अलग अलग लगे हुए थे, उसने सोचा बिना पूछे इन्हें रद्दी वाले को देना ठीक नहीं, क्योंकि भैया पता नहीं भैया को कौन सा अखबार चाहिए कौन सा नहीं, तो इसलिए वो अखबार बिना भैया की मर्ज़ी के वो उसको नहीं दे सकता था। कमरे के ऊपर की परछत्ती थी, उसने सारे अखबारों को कमरे की परछत्ती पर रखने का फैसला किया। परछत्ती यानी कि छत के नीचे एक छत होती है छोटी सी, जिसमें कुछ सामान रख सकते हैं हम लोग, हर किसी के घर में होती है वो, तो ऐसे ही परछत्ती वहाँ पर भी उसके कमरे में भी थी। अखबारों का एक बड़ा ढेर लगाया वापस वापस कमरे में आने पर रमन ने सोचा कपड़ों को देखूं, यानी कि सारे अखबारों को एक तरफ कर दिया और वापस देखा कि चलो अब मैं क्या करूँ, कपड़े को देखता हूँ, कपड़े यहाँ बहुत सारे पड़े हुए हैं भैया के। विवेक भैया के कुछ कपड़े गंदे थे कुछ साफ, यानी कि कुछ कपड़े उनके गंदे थे कुछ साफ थे। कमीज़ों के कॉलर आस्तीन और पैंट देखकर उसे मालूम हो गया कि कौन से कपड़े साफ़ हैं और कौन से गंदे, मीन्स कमीज़ों के जो कॉलर होते हैं वो ज़्यादा गंदे होते हैं, और जो स्लीव्स होती हैं उसके आगे का जो पार्ट होता है वो भी बहुत गंदा होता है, तो इसलिए उसने उन कपड़ों से अंदाज़ा लगा लिया कि कौन से कपड़े गंदे थे और कौन से साफ। गंदे कपड़ों को उसने बाथरूम में रखा और साफ कपड़ों को दीवार पर लगी खूंटी पर टांगा। खूंटी पर भी धूल थी, उसने सफाई करने वाले कपड़ों को खूंटी पर साफ कपड़ों को खूंटी पर टांग दिया और बाकी जो है उसने कपड़े एक तरफ रख दिए। ठीक है, कपड़ों खूंटी पर लगी धूल साफ की और फिर कपड़े टांग दिए। गर्मी का मौसम शुरू हो गया था, विवेक भैया ने रजाई बाहर ही रखी हुई थी, अर्थात गर्मी का मौसम शुरू हो गया था और रजाई जो थी वो अभी तक विवेक ने अंदर नहीं रखी थी, उसके भाई ने, वो बाहर ही पड़ी हुई थी। रमन ने फोल्डिंग चारपाई बिछाई और रजाई गद्दे बाहर धूप में रख दिए, आज दिन भर धूप लग जाएगी तो फिर शाम को पेटी में नेपथलीन की गोलियाँ डालकर रजाई रख देंगे, उसने ऐसा सोचा कि दिन भर की धूप लगाऊंगा, उसके बाद जो है उस रजाई को अंदर रख देंगे बॉक्स में, इससे रजाई में कीड़े नहीं लगते। तो कपड़े रखते समय जब हम गर्म कपड़े उठाकर रखते हैं बच्चों, तो एक नेपथलीन की टैबलेट्स आती हैं गोल गोल मोटी मोटी, वो हम ट्रंक में संदूक में डाल देते हैं, जिससे उसमें कीटाणु नहीं लगते हैं कपड़ों में। ठीक है, कीड़े नहीं लगते और उसमें जो रखे हुए की स्मेल आ जाती है वो भी नहीं आती। इसके बाद रमन ने चादरें तय की उन्हें अलमारी में रखने के लिए। जैसे ही अलमारी का दरवाज़ा खुला वह परेशान हो गया, पूरी अलमारी अस्त व्यस्त पड़ी थी, परंतु रमन अलमारी को नहीं छेड़ना चाहता था। इसमें भैया का ज़रूरी सामान रखा होगा, फिर उनकी व्यक्तिगत चीज़ों को हाथ लगाना भी ठीक नहीं था। रमन ने देखा अलमारी का निचला खाना खाली था। अब उसने जैसे ही अलमारी में कपड़े रखने के लिए अलमारी खोली तो सारा सामान नीचे आ गया, तो उसने सोचा कि ठीक है इसको साफ करता हूँ, लेकिन बिना पूछे भैया के उसने उसको छोड़ना उचित नहीं समझा, क्योंकि हो सकता है कुछ ज़रूरी कागजात उसके भैया के उसमें रखें। फिर कमरे की चारपाई खड़ी कर दी, अब कमरा कुछ ठीक दिख रहा था। कमरे में पानी की कुछ खाली बोतलें, कुछ फटे कागज, खाली डिब्बे भी थे, इन्हें रमन ने बाहर कूड़े में फेंक दिया। फिर भैया की पढ़ने वाली मेज के पास गया, मेज पर भी धूल थी, यानी कि टेबल जो स्टडी टेबल थी वहाँ पर भी धूल थी। बच्चों, इस पाठ को हम पढ़ रहे हैं
तो हमें एक बात और समझनी चाहिए कि अगर हम रोज़, जैसे रमन के भाई थे विवेक, वो रोज़ सुबह चले जाते थे, शाम को 5 बजे आते थे और कमरे को नहीं छेड़ते थे, है ना, कमरे को बिल्कुल सफाई पर ध्यान नहीं देते थे कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कमरे की सफाई करनी है। तो अगर वो प्रतिदिन रोज़ अपने कमरे के लिए आधा घंटा भी देते, अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करके रखते, डस्टिंग करते, अपने सामान को यथास्थान रखते, तो शायद वो कमरा इतना गंदा ना होता। तो इस पाठ से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें अपना रोज़मर्रा का सामान, डेली रूटीन की जो हमारी चीज़ें हैं, वो हमें व्यवस्थित करके रखनी चाहिए। हमें अपने कमरे को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके रखना चाहिए, क्योंकि डेली अगर हम करते हैं, रोज़ करते हैं हम उसको, तो वो सारा एक साथ नहीं काम पड़ता है, ठीक है। अगर हम डेली नहीं करेंगे तो डस्टिंग भी होगी, डस्ट हो जाएगी सारी चीज़ों पर, ठीक है। व्यवस्थित तरीके से नहीं रखेंगे तो सारी अस्त व्यस्त हो जाएंगी, तो फिर वो एक हमारा कमरा कमरा नहीं रहेगा, फिर वो कबाड़ खाना हो जाएगा, है ना। कि जैसे कबाड़ी की दुकान होती है ना, कि कुछ सामान कैसे पड़ा होता है, कहीं से पड़ा होता है, कोई देखने वाला नहीं है, वही हमारे कमरे का भी हाल होगा। तो यदि प्रतिदिन हम अपने कमरे के सामान को यथास्थान रखें और एक घंटा मात्र या आधा घंटा मात्र हम अपने कमरे के लिए दें, कमरा हो या हमारा घर हो, केवल हमारा कमरा ही नहीं, अगर हम घर में रहते हैं तो हमें अपने माता पिता की पूरी हेल्प करनी चाहिए सफाई में, ठीक है। अपनी चीज़ों को यथास्थान रखना, जैसे हमारे कपड़े हैं उनको तय करके हम कबर्ड में रख सकते हैं, अपने जूते चप्पल हैं वो हम यथास्थान रख सकते हैं, हमारी बुक्स कॉपीज़ हैं वो हम अपनी कबर्ड में रख सकते हैं, है ना, और अपनी स्टडी टेबल है उसको हम साफ़ करके रख सकते हैं, उस पर पेन स्टैंड वगैरह रख सकते हैं, स्टेपलर है हमारा या कोई भी ऐसा सामान है स्टडी से रिलेटेड, कलर्स हैं वो हम अपनी स्टडी टेबल पर रख सकते हैं, ताकि जब भी हमें ज़रूरत हो तो वो, उसमें क्या फ़ायदा होता है बच्चों, कि हमें एक तो सामान जो है हमारा वो समय पर मिल जाता है, ठीक है। अगर हमारा सारा सामान व्यवस्थित होगा तो हम उसको झट से उठा लेंगे और यूज़ कर लेंगे, और सामान ही व्यवस्थित नहीं होगा तो हम उसको पहले तो आधा घंटा ढूंढेंगे कि वो सामान कहाँ रखा है, फिर हम उसको यूज़ करेंगे, फिर हम ऐसे ही डाल देंगे, तो फिर हम उसको समय पर नहीं ले पाएंगे। तो इस तरह से अगर हम रोज़ अपने कमरे के लिए, अपने घर के लिए आधा घंटा प्रतिदिन भी दें, तो हमारा सामान व्यवस्थित होगा, साफ़ सफाई होगी, और हमें मन से बहुत अच्छा लगेगा कि हम सफाई में बैठे हैं, क्योंकि सफाई हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, ठीक है, एक अभिन्न हिस्सा है। तो सफाई पर सबसे पहले, अनुशासन पर, सफाई पर, इन चीज़ों पर हमें सबसे पहले ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ, हाँ, मेज पर सारे रखे, सारे कागज़ कुर्सी पर रखे और मेज़ को साफ़ किया, इस पर कुछ बिछाना चाहिए। अब उसने मेज़ पर कुछ बिछा दिया, पर क्या, उसने अलमारी खोली, उसमें एक छोटी सी चादर रखी थी, उसे निकाल कर दो तह करके उसने मेज़ पर बिछा दिया, फिर कागज़ों की धूल साफ करके उन्हें मेज़ पर रखा, पर किचन से कांच का एक गिलास लिया, उसने मेज पर रखे, पेन, पेंसिल, कैंची और स्टेपलर खड़े किए, किताबों को अलमारी में सजाया, अर्थात उसने सारा सामान उसका व्यवस्थित मेज पर रखा, फिर बुक्स को अलमारी में सजाया, यानी कि व्यवस्थित तरीके से उनको लगा दिया। अभी पंखा साफ़ करना और कमरे में झाड़ू लगाना बाकी था, पर उससे भी ज़रूरी था जाले साफ़ करना, क्योंकि कमरे में चारों तरफ जाले लगे हुए थे, उसके भैया ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। यह काम उसने झाड़ू से ही किया, सीख वाली झाड़ू लेकर हल्के हाथों से कमरे में लगे जाले साफ किए और फिर हल्के गीले कपड़े से पंखा साफ किया। इन दोनों कामों में उसने कुर्सी का इस्तेमाल किया, कुर्सी पर चढ़कर भी ही वह छत और पंखे तक पहुंच सकता था, यानी कि नीचे कुर्सी रखी, उस पर चढ़ा और उसने कमरे के पंखे साफ किए। रमन कुछ थकान महसूस कर रहा था, उसने सोचा एक कप चाय पीकर झाड़ू लगाई जाए, किचन में गया तो वहाँ भी हालत ख़राब थी, बर्तन गंदे थे और साफ सफाई का नामो निशान नहीं था। रमन ने सोचा किचन तो कल साफ करूँगा, फिलहाल बर्तन धो देता हूँ, यानी कि बर्तन जो गंदे पड़े हुए थे उसने सोचा पहले इनको साफ कर लेता हूँ, किचन कल साफ करूँगा। एक एक करके रमन ने बर्तन धोए, फिर चाय बनाई और चाय पीकर झाड़ू लगाई। कमरे में उसने झाड़ू के बाद किचन को पानी से साफ किया, अर्थात उसने किचन की धुलाई। अगर कमरा रोज़ाना साफ़ किया जाए तो उसमें पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि रोज़ अगर हम झाड़ू सफाई से लगाएं, डस्टिंग करें, तो रोज़ पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कमरा साफ़ रहता है। कमरे की हालत ऐसी नहीं थी कि बिना पोछा लगाए
काम चल जाता है, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा डस्ट थी उसमें, तो सारा उसने छाड़ पूछ भी किया था, गर्द इधर उधर हो गई थी सारी धूल, तो अब पोछा लगाना ज़रूरी था। रमन ने कमरे में पोछा लगाया और फिर नहाने गया। सोचा भैया के कपड़े भी साफ कर दूँ, गाँव में कई बार बाबूजी के कपड़े भी धोया करता था। अर्थात वह पूरे डिसिप्लिन में रहता था, अपनी माँ का कहना मानता था, अपने माता पिता के काम में हाथ बटाता था। ठीक है, शाम को जब विवेक घर लौटा तो कमरे की काया पलट देखकर दंग रह गया। यानी कि जब उसका बड़ा भाई शाम को घर आया तो कमरे की काया पलट यानी कि बिल्कुल ही कमरे की रंगत बदली हुई थी, रूप बदला हुआ था कमरे का। छोटे भाई से पूछा, क्यों रे तू तो बड़ा सयाना हो गया है, इतना सब कैसे किया? सयाना मतलब समझदार, कि तू तो बड़ा समझदार हो गया, इतना सब तूने कैसे किया अकेले में? रमन ने मुस्कुराकर कहा, भैया यह सब अम्मा ने सिखाया। वह कहती हैं, अपना काम अपने आप करना आना चाहिए, मीन्स कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए, और अपना ही नहीं हमें माता पिता की भी उनके काम में मदद करनी चाहिए। हाँ जानता हूँ, मुझे भी कहा करती थी, पर मैंने कभी यह सब नहीं किया। छोटा होने के बावजूद तुम मुझसे ज़्यादा समझदार निकला, यहाँ पढ़ने तुम आए हो पर असल में मुझे भी तुमसे सीखने की ज़रूरत है। विवेक ने कहा, फिर बोला, इतने काम का तुम्हें इनाम भी मिलना चाहिए। उन्होंने एक पुस्तक उसे पढ़ने के लिए दी, पुस्तक देखकर रमन खुशी से उछल पड़ा। अर्थात विवेक भैया ने उसको इनाम में एक पुस्तक दी जो रमन ने पढ़ी, और उसको पढ़कर वो बहुत खुश हुआ, और अपने भैया के काम में उसने हाथ बटाया, अपनी माँ का कहना माना। तो यही सब हमने इस पाठ में पढ़ा बच्चों, बहुत शिक्षा, ये बहुत अच्छी शिक्षा हमें इस पाठ से मिलती है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, हमें अनुशासन में रहना चाहिए, हमें अपने माता पिता की मदद करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना अनुशासन के एक मनुष्य उसी तरह से होता है जिस तरह से एक बिना लगाम का घोड़ा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम अनुशासन में नहीं रहेंगे तो कभी भी हमारे जीवन में हमें सफलता नहीं मिलेगी। सफलता उन्हीं व्यक्तियों को मिलती है जो हमेशा अनुशासन में रहते हैं और अपना काम स्वयं करते हैं, समय पर करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये इसकी एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज है इसकी रिक्त स्थानों की पूर्ति। एकाएक रमन को अम्मा का चेहरा याद आया, अम्मा इसमें आएगा। सेकेंड वन, टीवी पर धूल की ढेर सारी परत जमी हुई थी। ठीक है, रमन ने अखबारों को पड़छत्ती पर रख दिया। किचन में भी साफ सफाई का नामो निशान नहीं था। पुस्तक देखकर रमन खुशी से उछल पड़ा। तो ये हमारे फिलअप से। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। रमन शहर किसके पास रहने गया था, चचेरे भाई के, बड़े भाई के, या ममेरे भाई के, बड़े भाई के? रमन किस कक्षा में पढ़ता था, दसवीं कक्षा में। रमन ने अखबारों को कहाँ रखा, पड़छत्ती पर। ठीक है, ये हमारे जो है सही उत्तर पर हमने सही का निशान लगाया। अब आता है सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। रमन शहर आकर बोर हो रहा था, सही। रमन के भैया कचहरी गए थे, सही। रमन एक शरारती लड़का था, गलत। रमन ने सारे अखबार रद्दी वाले को भेज दिए, गलत। भैया ने रमन को इनाम में पुस्तक दी, सही। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई 4 नंबर पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, देखिए भाषा बोध हमारी आती है। भाषा बोध में निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। अंतर्मुखी देख लीजिए यहाँ लिखे हुए हैं, ये आप इसमें से देख कर लिख सकते हैं। ये देख लीजिए, ये लिखे हुए हैं यहाँ। ठीक है, ये आप सही करके इसमें से लिख सकते हैं। फिर है विलोम शब्द, सर्दी गर्मी, सर्दी साफ गंदा, खोना पाना, खुशी दुख, गीला सूखा, गरीब अमीर। ठीक है, अब आता है नीचे। नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्दों के एक से अधिक अर्थ लिखिए। तो ये अर्थ हमने यहाँ लिखे हैं। अर्थ का मतलब होता है, अर्थ का एक तो मतलब अर्थ है धन, और एक है मतलब कि क्या अर्थ है इसका, क्या मतलब है इसका। ठीक है, मीनिंग। आतुर रोगी और व्याकुल, कल बीता हुआ कल, या आने वाला कल, या फिर मशीन का पुर्जा, मशीन के जो पार्ट्स होते हैं उन्हें भी कल कहते हैं। विधि कानून ढंग या भाग्य। फिर आता है भाग, भाग में आता है हिस्सा और दौड़, है ना। ये किसका भाग है यानी किसका हिस्सा है, ये दौड़ यानी कि भागना मीन्स दौड़। ठीक है, तुमने भाग में हिस्सा लिया तो ये हो गया हमारा दौड़। ठीक है, भाग हो गया। अब आता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, तुमने किस कार्यक्रम में भाग लिया है तो वो हिस्सा लेना होता है। ठीक है, और ये तुम्हारा भाग है यानी कि हिस्सा। फिर आता है हमारा
निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ बताइए। ऊंची दुकान फीके पकवान, केवल नाम होना गुण ना होना। ठीक, फिर है एक अनार सौ बीमार, थोड़ी वस्तु के चाहने वाले अधिक, वस्तु एक और चाहने वाले बहुत अधिक। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज में बच्चों ये देखिए, शहर में शिक्षा ग्रहण करने तथा गांव में शिक्षा ग्रहण करने में क्या अंतर है, नीचे स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको मैंने होमवर्क में दिया है, आप अपनी मम्मी से पूछ कर सकते हैं, ट्यूशन में पूछ कर सकते हैं, बड़े भाई बहन से पूछ कर सकते हैं। इसमें आपको थ्री रीजन्स लिखने हैं, क्या अंतर है, रीज़न नहीं सॉरी डिफरेंस, क्या अंतर है वो आपको लिखना है, थ्री ओनली। ठीक है, नीचे आता है मौखिक प्रश्नों के उत्तर, सोचकर प्रश्नों के उत्तर बताइए। रमन को अपने बाबूजी पर गुस्सा क्यों आ रहा था, क्योंकि जिद करके उसने उनको शहर भेज दिया था। फिर है, रमन ने बोरियत भगाने के लिए क्या तरकीब निकाली, घर की सफाई की। कपड़ों को कीड़ों और गंध से बचाने के लिए दवाई, किस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है, नेपथलीन की गोलियों का। फिर आता है हमारा लास्ट वन, इनाम के तौर पर रमन को क्या दिया गया, एक पुस्तक दी गई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन आंसर्स मौखिक, ये आप देख सकते हैं यहाँ। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स, देख लीजिए। अपना हाथ जगन्नाथ, लेसन सेवन, ये है शहर में रमन का मन क्यों नहीं लग रहा था। शहर में रमन का मन इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि वह शहर पहली बार आया था और उसके भाई सुबह ही कचहरी चले गए थे, जिससे अकेले रह जाने के कारण उसका मन नहीं लग रहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रमन को अम्मा की कौन सी बात याद आई और उसने क्या फैसला किया। रमन को अम्मा की यह बात याद आई कि भैया की बात सुनना और ख्याल रखना, और उसने यह फैसला किया कि वह भैया के कमरे की सफाई करेगा, जिससे उसका मन भी लग जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन ने अलमारी में रखी अस्त व्यस्त चीज़ों की सफाई क्यों नहीं की। रमन ने अलमारी में रखी अस्त व्यस्त चीज़ों की सफाई इसलिए नहीं की क्योंकि उसने सोचा कि इसमें भैया का कुछ ज़रूरी सामान रखा होगा। फिर आता है, रमन ने किचन की सफाई किस प्रकार की। किचन की सफाई करने के लिए रमन ने पहले एक एक करके बर्तन धोए, फिर किचन को पानी से साफ किया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों, और ये लेसन हमारा सेवन कंप्लीट हो गया है, अपना हाथ जगन्नाथ, इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।